नमस्कार दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान के जो हमारे रीट परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर चर्चा करेंगे। भौतिक विज्ञान, कल हमने राजस्थान के दुर्गों से चर्चा की थी। 11 फरवरी तक हम इसी प्रकार प्रश्नों पे ही चर्चा करेंगे। तो भौतिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख लेते हैं हम। पहला है फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज तार किस सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत का उष्मीय प्रभाव, विद्युत का उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। और फ्यूज तार किसका बना होता है? टिन व लेड का। 67% इसमें टिन होता है और 33% इसमें लेड होता है। इसकी जो प्रकृति होती है, उच्च प्रतिरोध व निम्न गलनांक। इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है और गलनांक निम्न होता है, और इसको हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। और घरों के अंदर जो धारा आती है वो प्रत्यावर्ती धारा आती है, 220 वोल्ट व 50 हर्ट्ज की ये धारा होती है। फिर कुछ मात्रक है, जैसे एम्पियर विद्युत धारा का, ओम प्रतिरोध का, वोल्ट विभवांतर का, सामर्थ्य के लिए वाट और कार्य के लिए जूल। इसी प्रकार कुछ यंत्र है, जैसे स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। स्फ्रेग्नोमैनोमीटर रक्तचाप नापने के लिए, ब्लड प्रेशर नापने के लिए। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए। प्रकाश की किरणों की प्रकृति कैसी होती है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ। तरंग व कण दोनों की प्रकृति होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या चीज उसकी अपरिवर्तित रहती है? ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो वो रहती है आवर्ती। अब प्रकाश के बहुत सारे प्रभाव होते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। प्रकाश तंतु जो होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं, ठीक है। एंडोस्कोप एक यंत्र होता है जो पेट के अंदर लगाया जाता है और वो पूरी जो चित्र बना के बाहर भेजता है, ये भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का पर कार्य करता है। हीरे का चमकना, ये भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। मृग मरीचिका, जो जैसे गर्मियों में जो सड़क होती है वो बिल्कुल पानी की तरह दिखाई देती है, वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे सिद्धांत पे कार्य करती है। फिर बात करते हैं रेटिना पर चित्र। रेटिना पर चित्र कैसा बनता है? वस्तु से छोटा व उल्टा, वस्तु से छोटा व उल्टा। सूर्योदय से पूर्व सूर्य का दिखाई देना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना, जल में रखी हुई छड़ छड़ का थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये प्रकाश के अपवर्तन पर कार्य करता है। फिर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कार में जो साइड मिरर होता है वो होता है उत्तल दर्पण। कार में जो साइड मिरर होता है वो उत्तल दर्पण होता है। और जल में वायु का बुलबुला कैसे कार्य करता है, किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो इसका उत्तर होगा अवतल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति। महत्वपूर्ण प्रश्न, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस काम आता है, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस काम आता है? इसको याद करने की आप ट्रिक याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे। अनिल, ऐसे अवतल नीचे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस काम आता है और बचा जो उत्तल दृष्टि दोष काम आता है, ठीक है। उत्तल दूरदृष्टि दोष में काम आता है। ईएनटी डॉक्टर जो टॉर्च में जो दर्पण यूज करते हैं वो कौन सी करते हैं? अवतल दर्पण। और गाड़ी की हेडलाइट, सर्च लाइट और सेमिंग बनाने के जो शीशे होते हैं उनमें काम आता है अवतल दर्पण। अब बात करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्य समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय लालिमा, ये ध्यान रखना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय लालिमा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है, जबकि सूर्योदय से पूर्व सूर्य का दिखाई देना प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। अब बात करते हैं प्रकीर्णन क्या होता है। जब प्रकाश जब वायुमंडल की विभिन्न परतों से आग का गुजरता है तो टकरा जाता है उनसे, उसको प्रकीर्णन बोलते हैं। प्रकीर्णन
तरंग दैर्ध्य के उल्टा होता है, जिस की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है उसका प्रकीर्णन कम होता है। इसका हम आसानी समझते हैं, ये प्रकाश के रंगों को नाम याद करने का विबज्योर, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब इनमें क्या होता है, जो वायलेट या जो बैंगनी रंग है उसकी जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होती है। अब जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी इसलिए उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा, और जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो लाल रंग जो होता है इसके तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है और इसका प्रकीर्णन कम होता है, इसीलिए ट्रैफिक लाइट्स में और इनमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और सूर्य में नाभिकीय सलियन ऊर्जा के ऊपर कार्य करता है सूर्य। प्रकाश की चाल, ये बात बहुत बार पूछा हुआ, 3×10^8 मीटर पर सेकंड। प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात में सर्वाधिक होती है, गैस में कम, द्रव में कम और ठोस में उससे कम। ठीक है, इसके अलावा और कुछ और प्रश्न है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्पष्ट दूरी कितने सेंटीमीटर होती है, जो हम मिनिमम देख सकते हैं वो होती है 25 सेंटीमीटर। कितने होती है? 25 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, फिर थोड़े और क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे। अंदर आना है तो पागल। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, जैसे ये एक बहुत प्रश्न आता है, जैसे मान लो आपका पंखा है, विद्युत पंखा, ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? ये बदलता है आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। कैसे याद करेंगे बताता हूँ, इसमें आपको